गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एग्जांपल लेने के लिए हम एक आइडिया लेते हैं एक टेनिस बॉल का। जब हम एक टेनिस बॉल को दीवार पर मारते हैं, दीवार पर थ्रो करते हैं, तो वो उस दीवार से टकरा करके लौट आती है और कहें तो बाउंस बैक हो जाती है आफ्टर स्ट्राइक फॉर द सरफेस। इसी प्रोसेस को अगर हम लाइट के रेस्पेक्ट में लें, तो जब हम एक पॉलिश सरफेस पर लाइट को देते हैं, ऐसी कंडीशन में लाइट जो होती है उस सरफेस से स्ट्राइक होकर के बाउंस बैक हो जाती है। और यही प्रोसेस विद द सेम मीडियम, इसी प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और सिंपल वर्ड में चाहें तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द सरफेस, लाइट का बाउंस बैक कर जाना आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो अब हम लिखेंगे इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम सरफेस फ्रॉम अ सरफेस is called reflection of light. इसी प्रोसेस को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और दूसरे से कैसे बोलते हैं, और प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट विद इन अ सेम मीडियम, विद इन अ सेम मीडियम आफ्टर प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम, सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, called reflection of light. इसको समझने के लिए हम एक मिरर लेते हैं। वी आर गोइंग टू बी हैव अ सरफेस लाइक दैट। ये हमारे पास एक सरफेस है ये हमारे पास एक सरफेस है, ये हमारी एक लाइट है, इट इज अ रे ऑफ लाइट जो कि बॉडी से स्ट्राइक हुई, यहां से ऐसे स्ट्राइक हुई है एंड इट गेट रिफ्लेक्टेड बैक, और यहां से ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई।
सेम मीडियम के अंदर और बाउंस बैक हो गई। तो ये एक हमारा मिरर था, इट इज अ मिरर डायग्राम है। ये हमारा मिरर था, यहां से एक रे ऑफ लाइट आई, रे ऑफ लाइट आया और यहां से एक इंसिडेंट हुई, और इसे हम इंसिडेंट रे भी कह सकते हैं। इट इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये स्ट्राइक यहां से हुई और यहां से ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे, इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्टेड रे, और ये पॉइंट ऊपर आई, इट गेट स्ट्राइक ऑन पॉइंट ओ, ये हमारी पॉइंट ओ पर स्ट्राइक की। तो एक इंसिडेंट रे जब स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करके उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, रिटर्न हो जाती है, इसी प्रोसेस को ही हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। नोट इट डाउन। इसके बाद वो ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं जो ज्यादा अच्छा रिफ्लेक्शन दिखाते हैं, तो आंसर ये है कि वो ऑब्जेक्ट जिनकी सरफेस स्मूथ पॉलिश्ड शाइनिंग होती है, वो ऑब्जेक्ट जो होते हैं लाइट को रिफ्लेक्ट अच्छा करते हैं, और वहीं जिनकी अनपॉलिश्ड अनस्मूथ एंड नॉट शाइनिंग सरफेस होती है, अनशाइनिंग सरफेस होती है, डल सरफेस होती है, ऐसे ऑब्जेक्ट लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं दिखाते हैं, बहुत कम दिखाते हैं। सो हम ये कह सकते हैं स्मूथ पॉलिश्ड स्मूथ पॉलिश्ड शाइनिंग सरफेस आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, लाइट के गुड रिफ्लेक्टर्स होते हैं। मिंटो से अगर हमारी सरफेस स्मूथ है, पॉलिश्ड है, तो वो लाइट को अच्छा रिफ्लेक्ट करेगी, दैट गोइंग टू रिफ्लेक्ट लाइट मोर क्लियरली। नेक्स्ट, जो स्मूथ सरफेस होती है, पॉलिश सरफेस होती है, वो लाइट को एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करती है। एंड दिस टाइप ऑफ सरफेस, दिस टाइप ऑफ सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट in one direction, इस तरीके सब्जेक्ट होते हैं लाइट को एक ही डायरेक्शन रिफ्लेक्ट करते हैं। एंड जब लाइट एक डायरेक्शन रिफ्लेक्ट होती है तो वी आर एबल टू सी इमेज विद इन दिस ऑब्जेक्ट, इट इज देयर फोर शाइनिंग एंड पॉलिश सरफेस होती है उसमें हमारी इमेज दिखती है। सो इट इज देयर फोर इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन दीज ऑब्जेक्ट्स, इन दीज, इनके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, एग्जाम्पल अगर मिलना चाहें तो एग्जाम्पल के तौर पर मिरर जो होता है स्मूथ पॉलिश होता है, मिरर भी कई तरीके होती हैं, प्लेन मिरर, कर्व्ड मिरर,
प्लेन भी होता है, कर्व भी होता है, साथ ही साथ अगर वाटर वाटर होता है, अगर वो शांत हो, अशांत वाटर हो या वो मोशन नहीं कर रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में उसमें भी हम अपनी इमेज को देख सकते हैं। नोट डाउन। वहीं नेक्स्ट जो होता है रफ, अनपॉलिश्ड, एंड डल सरफेस। रफ, अनपॉलिश्ड एंड डल सरफेस आर बैड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, आर बैड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। ये जो होते हैं लाइट के अच्छे रिफ्लेक्टर नहीं होते, ये लाइट को अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं करते। और इनसे जो जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो एक डायरेक्शन में नहीं होती, चार डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से कोई इमेज फॉर्मेशन टेक प्लेस नहीं होती। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन ऑल डायरेक्शन। लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो सभी डायरेक्शन में होता है, एंड इट इज देयरफॉर दीज ऑब्जेक्ट आर विजिबल टू अस, विजिबल टू अस। लेकिन इमेज फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस, व्हाट इमेज फॉर्मेशन नॉट टेक प्लेस। इन ऑब्जेक्ट्स में इमेज फॉर्मेशन नहीं होती है, नो इमेज फॉर्मेशन इज गोइंग टू बी टेक प्लेस इन दीज ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल इनका लेना चाहें हम, एग्जाम्पल फॉर देम बुक, पेन, पेंसिल, चेयर, ईटीसी, और भी जितने ऑब्जेक्ट होते हैं वो सारे बैड रिफ्लेक्टर ही होते हैं। इसके बाद जो स्मार्ट सिल्वर होता है, जो सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर होते हैं उनको अगर हम उसकी बात करें तो वो हमारा होता है सिल्वर। हम रिफ्लेक्टर की बात करें तो कह सकते हैं सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। सिल्वर जो होता है बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, ये सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है जो कि इसके पास आती है, और किसी लाइट को ट्रांसमिट नहीं करता है। तो इट रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट फॉल ऑन इट। ऑलमोस्ट से ऑलमोस्ट लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है विदाउट ट्रांसमिटिंग, विदाउट ट्रांसमिटिंग। बिना उसे ट्रांसमिट किए जो हमारे मिरर होते हैं, मिरर वी आर गोइंग टू बी यूज आर गोइंग टू बी मेड अप ऑफ सिल्वर।
और सिल्वर की जो कोटिंग होती है उसे मिरर के पीछे लगा देते हैं, और एक रेड कलर का पेंट जो होता है, एक रेड कलर का पेंट जो होता है वो कर देते हैं टू प्रोटेक्ट द सिल्वर मेटल। जिससे क्या होता है कि वहां सिल्वर प्रोटेक्टेड रहता है। मिरर आर फॉर्म्ड वाई यूजिंग द कोटिंग ऑफ सिल्वर बाय यूजिंग द सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल बिहाइंड द ग्लास। एंड द ग्लास ग्लास के पीछे सिल्वर मेटल को लगा करके कोट करके जैसे हम मिरर को बनाते हैं। एंड सिल्वर इज प्रोटेक्टेड, सिल्वर इज प्रोटेक्टेड बाई यूजिंग रेड कलर पेंट, रेड कलर्ड पेंट। एक रेड कलर पेंट जो होता है सिल्वर जो हमारे मिरर होते हैं उनके पीछे कर दिया जाता है ताकि हमारी सिल्वर जो हमने लगाई है रिफ्लेक्ट करने के लिए वो प्रोटेक्टेड रहे। लेकिन जो हमारी सिल्वर होती है वो बहुत जल्दी स्क्रैच हो जाती है और डल अपीयरेंस देने लगती है, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा ज्यादा महंगी भी होती है। इट इज देयर फोर इन मॉडर्न टाइम वी आर गोइंग टू यूज एल्यूमिनियम इन प्लेस ऑफ सिल्वर। हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं सिल्वर की प्लेस में। सो हम कह सकते हैं इन मॉडर्न टाइम मॉडर्न मिरर एल्यूमिनियम कोटिंग एल्यूमिनियम इज यूज टू मेक मिरर्स। मॉडर्न टाइम में हम एल्यूमिनियम का यूज कर रहे हैं मिरर बनाने के लिए। नोट डाउन नेक्स्ट टॉपिक बिलोंग टू है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर इसे हम लिखते हैं प्लेन मिरर के बारे में। इट इज अ थिन स्मूथ पॉलिश सरफेस, पॉलिश सरफेस ऑफ ग्लास शीट, ग्लास शीट कोटेड बाई कोटेड इट्स वन साइड, कोटेड इट्स वन साइड वाई सिल्वर और एल्यूमिनियम। प्लेन मिरर जो होता है थिन स्मूथ पॉलिश सरफेस होती है जो कि कोट होती है सिल्वर मेटल, सिल्वर से या एल्यूमिनियम से कोट होती है उसकी एक साइड, और दूसरी साइड जो होती है उसमें हमारी इमेज फॉर्मेशन देखने को मिलती है। जो हम मिरर को देखें
ये हमारा मिरर है, इट्स द मिरर दिया गया टू बी है। ये जो सामने वाली सरफेस है हमारी मिरर की, इट इज द पॉलिश्ड, पॉलिश्ड सरफेस। यहां पर हमारा सिल्वर का मेटल जो है सिर्फ है यहां पर, और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर हमने इसे पेंट किया हुआ है। वी हैव टू पेंट इट टू प्रोटेक्ट सिल्वर मेटल, रेड कलर पेंट, रेड कलर्ड, रेड कलर पेंट हमने यहां पे कर रखा है। यहां पे जो ये हमारा सरफेस है, यहां पर हमारी इमेज हमें देखने को मिलती है रिफ्लेक्शन के बाद। वी आर एबल टू सी आवर इमेज, यहां पर मिरर के हम यहां पर इमेज देखते हैं। अगर हम मिरर का रे डायग्राम बनाएं, वी आर गोइंग टू बी फ्रॉम द रे डायग्राम ऑफ मिरर, तो रे डायग्राम ऑफ मिरर के अंदर हम एक इस तरीके से और ये और डॉटेड लाइन लगा करके, यहां से ऐसी लाइन लगा करके यहां पर यूं इस से। ये जो होता है डायग्राम है जो कि हमारे मिरर को रिप्रेजेंट करता है। इट इज डायग्राम दैट रिप्रेजेंट आवर मिरर मिरर। ये जो सरफेस है ये इसकी स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस है, स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस, स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस। इधर की जो सरफेस है वो स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस है, वहीं इधर जो है पेंटेड या रेड कलर पेंट यहां पे हो रखा है ये सरफेस है, और ये डल होती है। डेट सरफेस इज गोइंग टू बी डल सरफेस, नो इमेज गोइंग टू फॉर्म इन दिस सरफेस। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लेन मिरर जो है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन से नोट करती है। प्लेन मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाई रिप्रेजेंटेड बाई स्ट्रेट लाइन, पॉइंट बाई स्ट्रेट लाइन विथ ऑब्लिक्यूज डॉट्स, ऑब्लिक्यू डॉट इन इट्स वन साइड, एक साइड में इसके ऑब्लिक्यू डॉट्स होते हैं। और यहां पर ये सारी ये जो साइड है इसे हम फ्रंट साइड कहेंगे, इट इज अ फ्रंट साइड, और ये मिरर की बैक साइड, ये मिरर की बैक साइड होती है और ये मिरर की फ्रंट साइड होती है। तो प्लेन मिरर जो है हमारा वो एक स्ट्रेट लाइन से नोट कर आता है, उसके कोने में ऑब्लिक्यू टाइप के डॉट्स प्रिंट होते हैं। व्हाट इज द डायग्राम ऑफ आवर मिरर। नेक्स्ट इज तो रे ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे। अब हम रे ऑफ लाइट को समझना है, रे ऑफ लाइट को हम बोलना चाहे तो रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स, अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स। जैसे हमारे पास ये मिरर है,
इस मिरर से होता हुआ एक स्ट्रेट लाइन आ रही है इस तरीके से, तो ये हमारी रे ऑफ लाइट है। ये ए से स्टार्ट हुई, इस पॉइंट पर आई और यहाँ से होते हुए यूं रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये जो है ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ओ और ये पॉइंट हमारा है बी। इस तरीके से हम लाइट डायरेक्शन पता करने के लिए टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ लाइट वी आर गोइंग रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट जो होती है एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसके अकॉर्डिंग हमारी लाइट ट्रेवल करती है। एंड कलेक्शन ऑफ लाइट या कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट को बीम ऑफ लाइट भी हम कहते हैं। नोट डाउन। तो अभी तक हमने क्या समझा उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आज हमने जाना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम कह सकते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम अ सरफेस। जब लाइट जो होती है बाउंस बैक करती है आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम अ सरफेस, इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। या फिर प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट विद इन अ सेम मीडियम, वो प्रोसेस जिसकी मदद से हम लाइट को सेम मीडियम में दोबारा सेंड बैक कर देते हैं जब वो एक सरफेस पर फॉल करती है, उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट विद इन अ सेम मीडियम व्हिच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे हम यहाँ पर देख रहे थे ये हमारी इंसिडेंट रे थी, और इंसिडेंट रे जो थी हमारी एक सरफेस पर पड़ी जो मिरर है हमारा, उससे आने के बाद वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई। इसके बाद स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस, स्मूथ पॉलिश एंड शाइनिंग सरफेस, स्मूथ पॉलिश एंड शाइनिंग सरफेस जो होती है वो गुड रिफ्लेक्टर होती है लाइट की, और वो जितनी लाइट होती है उसे एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देती है, और इसीलिए जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो हमारी स्मूथ सरफेस के ऊपर हमें देखने को मिलता है। इन स्मूथ सरफेस वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व एंड इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन हमें नजर आती है। मिरर, मिरर हुआ, वाटर हुआ, मिरर भी दो थे, प्लेन, कर्व्ड, ये जो मिरर होते हैं ये हमारे गुड रिफ्लेक्टर होते हैं और इनमें हमारी इमेज फॉर्मेशन भी देखने को आती है। इसके बाद जो रफ एंड डल सरफेस होती है, रफ डल एंड अनपॉलिश सरफेस जो होती हैं वो बैड रिफ्लेक्टर होती हैं, और ये लाइट को एक डायरेक्शन रिफ्लेक्ट नहीं करती बल्कि ये लाइट को सभी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देती हैं। दे आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट द लाइट इन ऑल द डायरेक्शन, और ये लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं इसीलिए हमने देख पाते हैं व्हाट इमेज फॉर्मेशन इन ऑब्जेक्ट के अंदर देखने को नहीं मिलता। दे आर नॉट एबल टू फॉर्म इमेज। बुक, पेन, पेंसिल, चेयर, ये सब जो है हमारे बैड रिफ्लेक्टर्स हैं। सिल्वर जो होता है हमारा बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, और ये जो होता है ज्यादातर लाइट जो इसके ऊपर आती है उस सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और ज्यादातर कर देता है, और कुछ और इसमें ट्रांसमिशन का जो काम होता है बहुत कम होता है। मिरर जो होता है वो सिल्वर मेटल का यूज करके बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ कोटिंग ऑफ सिल्वर बिहाइंड द वन साइड ऑफ मिरर, एंड डेड सिल्वर मेटल इज गोइंग टू प्रोटेक्ट इट वाई द रेड पेंट बिहाइंड इट। सिल्वर, उसके बाद जो मॉडर्न टाइप के हमारे पास जो मिरर बन रहे हैं वो हमारे बनते हैं एल्यूमिनियम का यूज करके, और कुछ सिल्वर से बनते हैं, लेकिन सिल्वर बहुत ज्यादा महंगा होता है और साथ ही साथ में उसमें स्क्रैच भी जल्दी आते हैं, और उसी के लेवल पर एल्यूमिनियम भी अच्छी रिफ्लेक्शन दिखा देता है, इसलिए कॉमन मिरर जो हम देखते हैं वो एल्यूमिनियम के बनकर
देखने को मिलते हैं। बताओ आज हमने जाना प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर जो होता है वो थिन स्मूथ पॉलिश सरफेस होती है। प्लेन मिरर इज गोइंग टू बी थिन स्मूथ पॉलिश सरफेस जो कोटेड होती है, हाँ, जिसके अंदर सिल्वर, हाँ, कोटेड इट्स वन साइड वाई सिल्वर एंड एल्यूमिनियम, जो कि सिल्वर एल्यूमिनियम से एक साइड कोटेड होती है प्रोटेक्टेड, और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए रेड पेंट कर देते हैं। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा मिरर है, इसकी एक साइड पॉलिश सरफेस जिससे हमारी इमेज बन रही है और दूसरी साइड में वो सिल्वर से कोटेड है और ये साइड लास्ट में पेंटेड है रेड कलर से। तो डायग्राम दिखाया जाता है हमारे मिरर का वो इस प्रकार से होता है। एक जो मिरर का डायग्राम होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है तथा ऑब्लिक लाइन होती है। प्लेन मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन विद ऑब्लिक डॉट इन इट्स वन साइड। ये जो ऑब्लिक डॉट्स होती हैं ये दिखा रहे हैं डल सरफेस या जहाँ पर सिल्वर मेटल लगा हुआ है और पेंटेड पेंटेड मेटल दिखा रहे हैं। जो ये स्मूथ सरफेस है वो स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस दिखा रही है जहाँ पर लाइट हमारी रिफ्लेक्ट होती है। साथ ही साथ जो ये रे ऑफ लाइट हमें दिख रहा है वो हमें रास्ता बता रही है, इट इज स्ट्रेट पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल, जिस रास्ते को लाइट फॉलो कर रही है उसको दिखाने के लिए हमने रे ऑफ लाइट का यूज किया। वहीं कलेक्शन ऑफ लाइट को हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं। कलेक्शन ऑफ लाइट जो होता है हमारा इस प्रकार से हो सकता है, जैसे ये एक से ज़्यादा लाइट जो होती हैं आ रही हों तो ये हमारा कलेक्शन ऑफ लाइट होता है। और कलेक्शन ऑफ लाइट इस तरीके से भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और जो कि एक पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहे हों, किसी सोर्स के द्वारा स्टार्ट हो रहे हों, उसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे एक पॉइंट पर आ रहे हो और ये एक पॉइंट से इधर जा रहे हैं। ये और स्ट्रेट लाइन में भी ऐसे भी हो सकता है। तो ये सारे फॉर्मेशन जो होते हैं हमारे लाइट के बारे में होते हैं। नेक्स्ट में हम जानेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स। सो नोट इट डाउन।